हाय गाइस, व्हाट्स अप। फिलहाल मैं बाथरूम का दरवाज़ा खुला है, बट इट्स ओके। वो मैं इसलिए ओपन रखती हूँ क्योंकि लिए आई एम समवन, मुझे ना वो एक वो है पेट पीफ करके, आई वॉन्ट ड्राई बाथरूम। मुझे ना फ्लोर गीले होते ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। सो व्हाट आई डू, आई ओपन द डोर ऑन द फैन और जब सूख जाता है इसके बाद आई क्लोज इट, क्लोज द डोर मतलब। ओके, एनी वेज, टूडे लाइक आई रैंडमली गॉट अप एंड थॉट ऑफ व्लॉगिंग बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी पीपल व्लॉगिंग देयर डे टू डे लाइफ, क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, व्लॉग कर रहे हैं। एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू, सम पीपल फाइंड इट वेरी अबनॉर्मल लाइक वाई शी इज़ व्लॉगिंग एवरीथिंग ऑन कैमरा, बट आई लव टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है बात करना। सो टूडे आई एम व्लॉगिंग समथिंग आई एम नॉट लाइकिंग, लाइक यू कैन सी द गीज़र एवरीथिंग फ्रॉम हियर। एनी वे, सो टूडे इज एंड लाइक टूडे इज़ आई एनिवर्सरी, आई गेस इट्स 1 ईयर, 1 साल हो चुका है हम लोगों को शादी करके। एंड हम लोग इतना कंटेम्पलेट कर रहे हैं करके हमें क्या करना है, क्या करना है, आई डोंट नो अबाउट हिम। ये तो नहीं कर रहा, मैं बहुत कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा, मुझे घर पे नहीं बैठना, मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं जाना है, बट कहाँ जाना है अब तक ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है करके, बिकॉज हम लोग को जस्ट 1 मंथ ही हुआ है, एग्जैक्ट 1 मंथ हो गया हमें थाईलैंड से आकर, ठीक है। और हमें फिर से कहीं बाहर जाना है, लाइक ऐसा नहीं है कि हम बाहर नहीं जा सकते, लाइक आई वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग अ स्टेकेशन इन मुंबई इन सम गुड 5-star प्रॉपर्टी, बट रेट्स आर फ्रिकिंग क्रेजी, लाइक 15,000 फॉर अ डे, लाइक इट इज़न, मतलब इट्स नॉट लाइक वी कांट अफोर्ड इट, बट इट वॉज नॉट मेकिंग सेंस टू मी बिकॉज नाउ आफ्टर मैरिज थिंग्स हैव चेंज, लाइक सब कुछ लाइक वर्थ में गिनते हैं हम लोग। पहले कैसे तक कुछ सोचते थे, ये ले लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, अब कुछ भी लेने से पहले सोचते थे इज़ इट वर्थ गोइंग देयर, इज़ इट वर्थ द अमाउंट, इट्स लाइक दैट। बट सो वी आर रियलाइजिंग नो, इट डजंट मेक सेंस टू स्पेंड सो मच 15,000 जस्ट फॉर अ डे। ऐसे तब 2 बजे जाओगे, चेक इन करोगे और दिन में बैठोगे, रात को आराम करोगे, एंड सुबह द मोमेंट यू गेट अप योर ब्रेकफास्ट इज स्टार्ट अप, बाय बाय, वन डे यू आर स्पेंडिंग 15,000 लाइक दैट ओनली। सो मैंने मना कर दिया, लाइक नो, वी डोंट वॉन्ट टू गो देयर। Now we are really really confused. It's not like that I will never do this करके ऐसा नहीं है, मैं कभी स्टेकेशन पर जाऊँगी नहीं, कभी स्पेंड नहीं करूँगी। देर वुड बी अ मोमेंट जब मुझे लगेगा नहीं यार अब तो मुझे जाना है, चाहे 15,000 लगे चाहे 20,000 लगे, अब मुझे वर्थ नहीं लग रहा है ऑनेस्टली। अभी की बात कर रही फिलहाल, बिकॉज इट जस्ट बीन अ मंथ, वी वेंट ऑन अ हॉलीडे फॉर लाइक 12-13 days एंड वी केम बैक अगेन, वी आर गोइंग एंड स्पेंडिंग सो मच फॉर अ वन डे, इट वॉज नॉट मेकिंग सेंस टू मी। सो या फाइनली 12 बजे नहीं है, मतलब मुझे नींद आ रही है, तो इसके लिए हम पहले केक काट रहे हैं। सो ये केक है एक्चुअली, हमारा जो भी टेबल है बहुत नीचे है, इसकी वजह से बता रही हूँ केक। अरे क्या कर रहा है तू, अब इसको कैसे रखे ऐसे नीचे, तो केक नजर ही नहीं आएगा, कैमरा नीचे करना पड़ेगा फिर एकदम से, ऐसे करके काटना पड़ेगा क्या, अभी नहीं आ रहा, बोल तो ही हूँ ऐसे आ रहा है, अजीब सा लग रहा है ये, और या तो मैं बहुत ही दूर दिख रही हूँ, बोल रही ना ऐसे करना पड़ेगा, बस ऊपर हो रहा है ये। हाँ ठीक है, तो ऐसे ही चलेगा, मैं तो कर रखे सब ठीक, कल मैं रह रही हूँ नहीं, मुझे नींद आ रही, तो मैं आपको लाने तैयार होने का। ये सब शॉर्ट्स सब कपड़े चेंज करने क्यों आया है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है कैमरा पे, तो मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ। कोई ऐसे पका बता, फर्स्ट टाइम कुछ नहीं है, तो हमें क्या कितना टाइम हो गया, हमारे को हो गया है 10 years मिलके, देन 5 years फ्रेंडशिप, 5 years इतना ही बोले बोला बस, और उसमें से 1 साल मिला के हमारा 11 years राइट, एक डेकेड तो हमने पूरा फ्रेंडशिप में चला गया और फिर 1 साल शादी, हमारा 11 years हो रहा है ना, 11 years कंप्लीट होगा सितंबर में फर्स्ट टाइम मेरी मटेरियल, जब मुझे दिए थे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मुझे कौन लड़का है ऐसा था, और अब देखो बीस बार हासिल हो गया सच। इस केक पे हैप्पी एनिवर्सरी भी लिखा है, लावा इस केक भी रखा ठीक है, मुझे खाट के सोना है इसके लिए। हैप्पी एनिवर्सरी का गाना बजाना चाहिए, एनिवर्सरी सॉन्ग होता है हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, ऐसे कभी गाए थे हमने। Happy anniversary, happy
मॉर्निंग एवरी वन, इट्स 6th ऑफ जुलाई एंड इट्स फाइनली एनिवर्सरी डे. सो अभी हम लाइक 1 o'clock राइट नाउ वी गॉट अ प्लेट. नो वी डिड नॉट गॉट अ प्लेट, हम जल्दी उठे थे लाइक 8 or 9 के टाइम पे. बट देन वी जस्ट चिलिंग रिलैक्सिंग, सबका फैमिली का फ़ोन आ रहा था, सब विश कर रहे थे एनिवर्सरी, तो हम सब उसी में बिजी थे. अब हमें बाहर जाना है बट बारिश इतनी तेज़ हो रही है बिकॉज मुंबई में रेड अलर्ट बताया है आज और कल लाइक थर्सडे फ्राइडे. सो वी आर रियली कन्फ्यूज शुड वी गो और नॉट. सो देखते हैं हम क्या प्लान करते हैं. A few moments later. हम निकल चुके हैं बाहर जाने के लिए एंड हम दोनों ने वाइट वाइट पहना है. Men in white, women in also white. Okay. Men and women in white. हाँ तो एक्चुअली अब देख रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं बिकॉज हम निकले नहीं कि ट्रैफिक में अटक चुके हैं. सो लेट्स सी कहाँ जाते हैं. एक्चुअली हम सोच रहे हैं जुहू जाने का. जुहू में एक रेस्टोरेंट है बटरफ्लाई, वो बीकेसी में वहाँ नहीं जा रहे तो? जुहू में जा रहे हैं. उसका प्रोनाउंस करना नहीं आता मुझे. व्हाट्स द नेम? बेस्टिन. नॉट बेस्टिन, दैट्स समथिंग. सेबेस्टिन. सो सोहो हाउस में ही है वो, जुहू में सी फेसिंग है. तो हम वहाँ जाने वाले हैं. आई कांट प्रोनाउंस द नेम. नहीं वहाँ नहीं है, वो दूसरी जगह ही है कोई. वहाँ जाने का सोच रहे हैं. तो मैं मेंशन कर दूंगी क्या है वो. इट्स अ सी ई डबल सी ओ एन समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा प्रोनाउंसिएशन लाइक स्पेलिंग है. प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता क्या उसकी. गॉड मेरे वाइट हेयर्स भी दिख रहे हैं बट इट्स ओके. आई एम लाइक एम्ब्रेसिंग माय एज, माय ग्रे हेयर्स एज वेल. सो एक्चुअली आई अगेन चेंज इट. माय इज दिस सम काइंड ऑफ जोक. ब्लू पैंट और वाइट टी शर्ट पहना है बिकॉज बारिश हो रही है और ऑनेस्टली मैंने वैक्स नहीं करवाया इसका. यू आर हेयरी, यू आर सो हेयरी लाइक अ बेयर. इसलिए मैंने शॉर्ट्स फिर से निकाल दिया. ड्रेस ये पहन के जा रही हूँ मैं. लेट्स सी हम पहुंचते हैं. स्पार्कलिंग शैंपेन बिकॉज अ स्पेशल डे एंड धीरज इज हैविंग कोल्ड कॉफी. कोल्ड कॉफी पी रहा है और मैं शैंपेन पी रही हूँ. और मुझे ना एक्चुअली हम लोग थोड़ा अंदर की तरफ गए थे. यहाँ पे एक सिटिंग अरेंजमेंट है जहाँ पे आपको डायरेक्टली सी व्यू दिखता है बट दैट्स टेबल आर ऑल ऑक्यूपाइड सो आई हैव टू सिट ओवर हियर. बट स्टिल आई हैव मेंशन देम इफ एनी वन ऑफ गेट लेट इन कैन प्लीज शिफ्ट इज ओवर हियर. सो दिस इज द शैंपेन. ओह गॉड आई होप आई डोंट ड्रॉप इट. इट्स वेरी चिल. लाइक मैं ज़्यादा ठंडा चीज़ें पीती नहीं हूँ तो मैं सर्दी हो जाता है. बट इट्स ओके, टुडे स्पेशल डे तो चलता है. Gaiti, how was the food? It was very average. Very, very, very average. Nah. I ordered this thing. Because of this, I'm sitting over here. Because this is fucking shit expensive thing. Or else I would have left and went to some other restaurants where food is good. This place is all about ambience, nothing else. How much did it cost, this one? Just shut up. ₹1,250. Are you fucking kidding me? 1,250 rupees. शिराज का बॉटल आता था पूरा. घर पे बैठ के आराम से स्ट्रेंजर थिंग्स देख के पियो. समटाइम इट्स अबाउट एंजॉयिंग एंबिएंस ऑल्सो, लाइक जस्ट बीइंग द प्लेस एंड जस्ट
wanted to sit over there. Can you just show the place? Yeah. That side. That has a direct sea view. But unfortunately, all the tables are booked. So that's why we are sitting over here. So this plan of coming to this restaurant was a whole flop. Now we're going to go to some other place. Now we are going to eat. No, now we will go to have our best food of best, town. Yeah, sabse best chaat, you know. 100 rupees mein you get dahi puri, 100 rupees mein you get. Ho gaya, bas. In this place near Purusham. Bye, now let's go. In camera, voice over. Seattle, hello, Farmers Cafe. So we are doing food hopping, restaurant hopping, cafe hopping, tasting different foods. Yeah, first time there, वहाँ खाना बहुत ओके था, and shit expensive. आवाज आ रही है मेरी? चुप आ रही है. हाँ, जहाँ हमने पहले खाया था बेकार था, जैसे मैंने आपको बताया. अब हम Farmers Cafe आए, but मेरा already आधा पेट तो भर चुका है. But still we came over here, we have something. And here for specially chocolate mango cake, which I heard is amazing over here. So I'm gonna have that. We have a chocolate cheesecake bhi hai with mango, but I don't like cheesecake much. So I ordered only a chocolate mango cake. So we are waiting for our food to come. Oh, there's golden light falling on the face, yeah. Comes our chocolate mango cake. I hope it tastes yum as well. No, thank you. One eternity later. Finally, we have come home. क्योंकि हम इतना थक गए हैं ना. सच बोलूँ ये 3-4 दिन तो बाहर निकलना ही मत. इतनी बारिश है. बारिश तो ठीक है, उसके वजह से जो ट्रैफिक होता है वो अलग ही है. अब घर पे आके घर के कपड़ों में बैठ के इतना अच्छा लग रहा है. अब हम पास्ता खा रहे जो हमने वहाँ से लाए थे. हमने वहाँ नहीं खाया सुपर पास्ता, घर पे लाके खा रहे क्योंकि वहाँ कुछ खाने का मन नहीं करा था. और हम अब देख रहे हैं मिस मार्वल्स. बस इसके बाद हम खा के थोड़ा सा, अब तुम्हारा नाटक थोड़ा सा खा के थी, बट हम बात कर रही हूँ ना. तो अभी खा के हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर सो जाएंगे. तो ये वीडियो, ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर दिया. आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा. बेसिकली मैंने ये एकदम अचानक से बनाया, मेरा कोई प्लान नहीं था बनाने का. इट वॉज रियली इम्प्रॉम्प्टू. अगर आपको लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही, कुछ ज़्यादा बता नहीं रही, तो मेरी सॉरी, दिस इज़ वेरी न्यू फॉर मी, विद टाइम आई विल इम्प्रूव. ठीक है, सो बाय, सी या. और इस अजीब और गरीब वीडियो पे थोड़ा सा कमेंट या जो भी आपको लगे कर देना. ठीक है, थैंक यू.